नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के भूगोल की श्रृंखला के अंदर हम पढ़ रहे थे। अपने लास्ट के अंदर हमने राजस्थान के खनिजों की चर्चा की थी, तो आज हम उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो खनिजों के बाद जो हम राजस्थान का प्रमुख टॉपिक लेके आए हैं वो आपके सामने वो लेके आए हैं ऊर्जा संसाधन। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करेंगे। किन की चर्चा करेंगे? ऊर्जा संसाधनों की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के प्रमुख ऊर्जा संसाधन। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करेंगे। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों में हम जो है अलग अलग जो है इसमें जो भाग हैं कौन कौन से हैं, और उन भागों में भी आगे जो है भाग बांटे गए हैं ऊर्जा संसाधनों में, हम उन प्रमुख ऊर्जा संसाधनों की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधनों को हम राजस्थान में प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। तो पहला जो है आपके कौन सा? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कौन सा ऊर्जा संसाधन? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, परंपरागत के बाद में आपके जो दूसरा भाग है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो ये जो है अपने मैंने आपको बताया है कि ऊर्जा संसाधन जो है दो प्रकार के हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है ये अवैकल्पीय ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, क्या है? अवैकल्पीय। अवैकल्पीय के साथ साथ ये जो है अनवीकरणीय भी है। नवीकरणीय मतलब जिसका निर्माण जो है पुनः से नहीं हो सकता है। ठीक है, जिसमें काफी समय लगता है निर्माण के अंदर। और अवैकल्पीय मतलब इसके अलावा जो है इनका जो हमारे पास जो भी अभी ये खनिज वगैरह या ऊर्जा संसाधन जो मौजूद हैं उसके अलावा इनमें कोई भी हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है वो क्या होते हैं? एक तो अवैकल्पीय होते हैं और एक किसके साथ साथ क्या होते हैं? अनवीकरणीय होते हैं। और इसका उल्टा जो है आपके क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ये क्या होते हैं आपके पास? वैकल्पीय हैं और प्लस आपके पास ये क्या है? नवीकरणीय है। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाएंगे। मैंने आपको बताया ऊर्जा संसाधन दो भाग है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर जो है सबसे पहले जो है क्या आ जाएगा इसके अंदर? सबसे पहली बात जो आएगी वो कौन सी आएगी? आपके तापीय ऊर्जा। ठीक है, क्या आएगी? आप सबसे पहले तापीय ऊर्जा। ठीक है, इसमें जो है तापीय ऊर्जा के अंदर जो है एक तो कौन सी परियोजनाएं आएगी, कौन से ऊर्जा संसाधन आएंगे? कोयला आधारित ऊर्जा संसाधन, और दूसरे जो है कौन से? प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो तापीय ऊर्जा संसाधन में दो भाग मैंने आपको बता दिए, कौन से? कोयला आधारित ऊर्जा संसाधन है और दूसरे कौन से है? प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा संसाधन है। इसके बाद में जो है दूसरी जो है इसके अंदर आएगी वो कौन सी आएगी? जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और तीसरी जो इसके अंदर भाग आएगा वो कौन सी आएगी? आणविक ऊर्जा। कौन सी आएगी? आणविक ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन मैंने आपको तीन भाग बता दिए, कौन सी? तापीय ऊर्जा संसाधन जिसमें कोयला आधारित ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस आधारित है, दूसरी कौन सी है इसमें? जल विद्युत ऊर्जा है, तीसरी कौन सी है? आणविक ऊर्जा है। और इसी तरह अगर हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर तो इसमें बात आएगी आपके सबसे पहले जो नाम आता है वो किसका आता है? पवन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आएगी? पवन ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा? पवन ऊर्जा। फिर है सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। पहली कौन सी? पवन ऊर्जा है, फिर कौन सी है? सौर ऊर्जा है। इसके बाद में जो है आपके नाम आता है बायोमास का। किसका नाम आता है? बायोमास का। चौथा जो है वो कौन सी है? बायोगैस। कौन सी है? बायोगैस है। पांचवी है बायोडीजल। कौन सी है? बायो डीजल है। और इसके बाद में अगर हम इसी के अंदर ही चर्चा करें, देखो इसमें गैर परंपरागत में कौन कौन सी आ गई? आपके पवन ऊर्जा आ गई, सौर ऊर्जा आ गई, ठीक है, बायोमास आ गया, बायोगैस आ गई, बायोडीजल आ गई। इसी के साथ साथ आपके जो है भूतापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? भूतापीय ऊर्जा। और इसके बाद में जो आपके इसी में ही जो सातवां आएगा, छठा भूतापीय ऊर्जा है, सातवां जो है वो कौन सी है? ज्वारीय ऊर्जा है। कौन सी है? ज्वारीय ऊर्जा है। तो ये आपके जो है किस में आ जाएगी? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आ जाएगी। हम बात कर रहे थे ऊर्जा संसाधन की राजस्थान में, जिसमें दो प्रकार के हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन,
ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है, परंपरागत जो है एक अविकल्पीय है या अनवीनीकरणीय है, और गैर परंपरागत जो है विकल्पीय है और नवीकरणीय है, ठीक है। परंपरागत में आपके जो है तापीय ऊर्जा, जिसमें कोयला आधारित है और प्राकृतिक गैस आधारित है, दूसरी कौन सी है जल विद्युत ऊर्जा, और तीसरी है आण्विक ऊर्जा। गैर परंपरागत में कौन सी है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। चलो पहले इसी में मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ज्वारीय ऊर्जा का राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा के लिए आपके पानी मतलब समुद्र या समुद्र के किनारे जहां पर भी है जो है वहां पर क्या होगा, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो राजस्थान में इसके सोर्स स्रोत जो है नहीं है। इसके बाद में आपके दूसरी कौन सी है, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, यहीं से चलते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा मीटर है बस इनका। भूतापीय ऊर्जा मतलब भूमि, ठीक है, भूमि मतलब पृथ्वी के अंदर का जो भी ऊष्मा है उस ऊष्मा का प्रयोग करके, मतलब भूमि के अंदर की जो ऊष्मा है उस ऊष्मा का प्रयोग करके किसका उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा का प्रयोग करके जो है ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो भूतापीय ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं, सिर्फ संभावनाएं बता रहा हूं मैं आपको, तो एक तो आपके है माउंट आबू, कहां माउंट आबू, यहां पर भूतापीय ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, माउंट आबू कहां है, सिरोही के अंदर है। और दूसरा जो है आपके माउंट आबू कहां है, सिरोही के अंदर है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो कौन सा आएगा इसके लिए, पुष्कर, पुष्कर कहां है आपके, अजमेर में है, ठीक है, पुष्कर कहाँ है, अजमेर में है। और बायोडीजल इसके बाद में कौन सा आता है, बायोडीजल, देखो बायोडीजल का राजस्थान के अंदर व्यावसायिक उत्पादन जो है नहीं किया जाता, बायोडीजल का राजस्थान में व्यावसायिक उत्पादन जो है वो नहीं किया जाता। तो अब हम किसकी चर्चा करेंगे, बायोगैस की। तो आपने इतना अगर नोट नहीं किया है तो इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, आपके सामने, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, अब देखो अपने चलते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ हम चर्चा करेंगे गैर परंपरागत में किसकी, बायो गैस की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बायो गैस, हेडिंग डाल लीजिए बायो गैस, गैर परंपरागत में ही है, कौन सी, बायो गैस। तो चर्चा किसकी करेंगे हम इसमें, बायो गैस, ठीक है। बायोगैस देखो जो पशुओं का अवशिष्ट है, किसका, पशुओं का अवशिष्ट है, इस पशुओं के अवशिष्ट का प्रयोग करके, किसका, पशुओं के अवशिष्ट का प्रयोग करके किसका उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना जो है वो क्या कहलाता है, बायोगैस। और इसके अंदर जो है बायोगैस के अंदर जो प्रमुख रूप से जो गैस विद्यमान रहती है, ठीक है, वो कौन सी है आपके, मीथेन है, कौन सी है, मीथेन है। लगभग मीथेन जो है इसमें कितने प्रतिशत होती है, 65% जो है मीथेन होती है, और आपके 30% जो है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 30% जो है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और 5% जो है वो कौन सी है, अन्य गैसें आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, 5% जो है वो क्या है कि अन्य गैसें आ जाएगी। तो मतलब मैंने आपको बताया कि बायोगैस क्या है, कि पशुओं का अवशिष्ट का प्रयोग करके ऊर्जा का क्या है कि उत्पादन करना, वो क्या कहलाता है, बायोगैस कहलाता है, जिसमें मुख्य घटक जो है बायोगैस इसमें कौन सा है, मीथेन है, कितने परसेंट है, 65%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 30% है, और अन्य गैसें जो है इसमें कितनी है, 5% है, ठीक है। इसमें जो है पशुओं के अवशिष्ट से या बायोगैस का जो है आपके सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है इस ऊर्जा स्रोत का, या जो है उत्पादन कहाँ होता है, तो ये उत्पादन आपके कहाँ होता है, राजस्थान के उदयपुर ज़िले में होता है, कहाँ होता है, उदयपुर ज़िले में होता है, ये प्रश्न आपके छोटा पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न यहाँ से विशेषतः जो आपके लिए बनने वाला है वो ये है कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सबसे बढ़िया या उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है, सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा संसाधन है ग्रामीण दृष्टि में, ठीक है, तो वो कौन सा है, बायोगैस है, मतलब घरेलू ऊर्जा का, ठीक है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान
में राजस्थान राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, जो साधन है, जो संसाधन है, वो कौन सा है? आपके बायोगैस है। और बायोगैस का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में कहाँ होता है? आपके तो उदयपुर में होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है राजस्थान जो बायोगैस बायोगैस विकास राजस्थान विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है वो आपके 1981-82 में संचालित किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया था, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? बायोगैस में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, प्रमुख संसाधन है, वो कौन सा रहेगा? आपके बायोगैस रहेगा। पशुओं के अवशेष से जो है इसका प्रयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करना जो है क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। और इसमें जो है प्रमुख घटक जो है बायोगैस का कौन सा है? मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 35%। अन्य गैसें कितनी है? 5% है। और जिला जो प्रमुख रूप से इसके उत्पादन में जो है अग्रणी है वो कौन सा है? उदयपुर है। और बायोगैस विकास कार्यक्रम 1981-82 में किसके द्वारा संचालित किया गया था? आपके भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब इसके बाद में जो है बायोगैस के बाद में मैंने आपको बताया था बायोमास, कौन सा बताया था? बायोमास। बायोगैस के बाद में अपने चर्चा करेंगे किसकी? बायोमास की, ठीक है। बायोमास तो देखो, बायोमास इसका उत्पादन कैसे होता है? जैसे मान लो कोई कृषि अवशिष्ट है, कृषि अवशिष्ट, ठीक है, चावल की भूसी है, किसकी? चावल की भूसी है, सरसों की खल है, सरसों की खल है। इसके अलावा देखो, कृषि अवशिष्ट है, चावल की भूसी है, सरसों की खल है। इसके अलावा जो शहरी कचरा है, शहरी कचरा, इनका प्रयोग करके, इनका प्रयोग करके क्या है कि ऊर्जा का क्या करना? उत्पादन करना। किनका प्रयोग करके? कृषि अवशिष्ट, चावल की भूसी, सरसों की खल और शहरी कचरे का प्रयोग करके किसका उत्पादन करना? ऊर्जा का उत्पादन करना जो है, ठीक है। दोनों में फर्क ये देखो, नाम सेम से है, बायोगैस और बायोमास, दोनों में फर्क क्या है? उसके अंदर पशुओं का अवशिष्ट है, इसके अंदर जो है कृषि अवशिष्ट है, चावल की भूसी है, सरसों की खल है, शहरी कचरा है। इसके अलावा आप कह सकते हो गेहूं है, गन्ना है, इनकी जो डंखल होती है, उन डंखल का जो है प्रयोग करके, ठीक है, उस डंखल का प्रयोग करके जो है ऊर्जा का उत्पादन करना जो है वो क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। उस डंखल का प्रयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। इस चीज का विशेषता पर ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके अंदर जो है राजस्थान में बायोमास जो संयंत्र है वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं तो इसकी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में आप हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान में बायोमास जो है संयंत्र जो है कहाँ लगाएंगे। बायोमास के बारे में मैंने आपको बताई दिया, कृषि अवशेष, चावल की भूसी, सरसों की खल, शहरी कचरा आदि का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का क्या करना? उत्पादन करना क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। अब राजस्थान में जो है इसके जो प्रमुख संयंत्र है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप या तो मैप की दृष्टि से देखना इसको, ठीक है, मैप की दृष्टि से अगर देखोगे तो और अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप मैप की दृष्टि से समझोगे तो आपके और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा भी कहाँ कहाँ जो है इसके जो है प्रमुख तय संयंत्र जो है लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप राजस्थान का जो है नक्शा बना लीजिए। इसके अंदर जो है सबसे पहले आपके जो है लगा हुआ है वो उसके नाम है पदमपुरा। कौन सा क्षेत्र? पदमपुरा, ठीक है। पदमपुरा जो है वो कहाँ है? आपके श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है। पदमपुरा कहाँ है? श्री गंगानगर में लगा हुआ है। पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है। और इसके बाद में जो है यहाँ जो लगा हुआ है ये राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम जो है बायोमास जो है ऊर्जा संसाधन है। राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, ये राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा जो है संयंत्र है, जहां पर जो है कृषि अवशिष्ट के द्वारा, किसके द्वारा? कृषि अवशिष्ट के द्वारा, यहां पर जो है आपके कृषि अवशिष्ट के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? आपके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दूसरा आपके लगा हुआ है बालोत्रा। कहां बालोत्रा? बालोत्रा कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है।
बालोत्रा बाड़मेर के अंदर लगा हुआ है, बालोत्रा जो है बायोमास ऊर्जा संयंत्र, ऐसे ही नाम है इनके, पदमपुरा बायोमास ऊर्जा संयंत्र, बालोत्रा जो है बायोमास ऊर्जा संयंत्र। यहां पर जो है शहरी कचरे के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, शहरी कचरे के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, आपके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और जो है तीसरा आपके रामगंज, करम से नहीं है ये, पहला बस यही ध्यान रखना, पहला कहां लगा हुआ है, पदमपुरा में है, ठीक है। तीसरा जो है वो कहां लगा हुआ है, रामगंज, ठीक है। रामगंज कहां है, कोटा के अंदर, ठीक है। रामगंज बायोमास जो है, बायोमास संयंत्र, ठीक है, बायोमास ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जो है वो कहां है, रामगंज के अंदर है। यहां पर भी जो है किसके द्वारा, कृषि अवशिष्ट के द्वारा, किसके द्वारा, कृषि अवशिष्ट के द्वारा जो है किसका उत्पादन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। चौथा जो है वो लगा हुआ आपके खेड़ली, खेड़ली कहाँ है, अलवर के अंदर, ठीक है। खेड़ली कहाँ है, अलवर के अंदर, खेड़ली बायोमास ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ लगा हुआ है आपके, है अलवर के अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है खेड़ली के अंदर जो है सरसों की खल से, सरसों की खल से जो है आपकी किसका उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जो है आपके लगा हुआ है कहाँ, अजमेर बायोमास ऊर्जा संयंत्र, अजमेर बायोमास ऊर्जा संयंत्र। और अजमेर के अंदर जो बायोमास ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, यहाँ पर आपके जो है विलायती बबुल से, किसे, विलायती बबुल से यहाँ पर जो है किसका विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बायोगैस विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, किससे किया जाता है, विलायती बबुल से जो है बायोगैस जो है का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में जो है आपके लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब देवली, देवली बायोमास जो है, बायोमास ऊर्जा संयंत्र, देवली बायोमास ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहाँ लगा हुआ है आपके, टोंक के अंदर है, ठीक है। देवली कहाँ है, टोंक के अंदर है। और यहाँ पर जो है आपके चावल की भूसी से, किसकी, चावल की भूसी से आपके ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो आप इसको इसी आधार पर, मैप पर जो है आधारित बनाकर इसको इस तरह से लिखना, मैप पर आधारित बनाकर, ठीक है, मैप पर आधारित बनाकर इसको इस तरह से लिखना है। भी पहला कौन सा है, पदमपुरा है, राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र है, राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र। इसके बाद में बालोत्रा, यहाँ पर शहरी कचरे से, और यहाँ पर जो है उत्पादन किससे किया जाता है, कृषि अवशेष से। और इसके बाद में रामगंज कहाँ है, कोटा में जो है कृषि अवशेष से। फिर जो है आपके कौन सा है, खेड़ली अलवर के अंदर है सरसों की खल से। फिर अजमेर में यहाँ पर जो है विलायती बबुल से। फिर देवली टोंक के अंदर चावल की भूसी से जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। आपके पास जो है एक मिनट का समय है, फटाफट इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो हमने बायोमास की चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो आपके आता है कौन सा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा आता है ऊर्जा संसाधन में, इसके बाद में आपके आता है कौन सा, पवन ऊर्जा, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। हवा के द्वारा या पवन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का क्या करना, उत्पादन करना, ठीक है। हवा या वायु के द्वारा, पवन के द्वारा विद्युत ऊर्जा का क्या करना, उत्पादन करना। और जो मैंने आपको बताया ना, जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, जिनके वैकल्पिक जो है वो, उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा से ही विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा जो है इससे ही क्या किया जाता है, राजस्थान में विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किससे किया जाता है, पवन ऊर्जा से ही सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। किसमें किया जाता है, यह भी मैंने आपको बता दिया। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या जिनके लिए वैकल्पीय जो है, ठीक है, उनमें जो है सबसे ज्यादा जो है ऊर्जा का उत्पादन किससे किया जाता है, पवन ऊर्जा से किया जाता है। और भारत के अंदर इस पवन ऊर्जा के उत्पादन में जो है राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। और इसकी जो है पवन ऊर्जा की जो संभावनाएं हैं राजस्थान में जो इसकी संभावनाएं हैं,
ठीक है, मतलब जहां पर ये यंत्र स्थापित किए गए हैं, संभावना नहीं, यंत्र जहां पर ये जो है स्थापित किए गए हैं, ये ज्यादातर जो है आपके कहां पर मिलेंगे, आपके जैसलमेर के अंदर मिलेंगे। और जहां पर और अधिक पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है वो कौन सा, आपके जैसलमेर। इसीलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है। किसको, जैसलमेर को, क्योंकि यहां पर आपके जो है पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। सर्वाधिक जो संभावनाएं भी है और जहां पर अभी भी जो संयंत्र लगे हुए हैं वो कहां लगे हुए हैं, आपके जैसलमेर में लगे हुए हैं। इसीलिए जैसलमेर को क्या कहा जाता है, पंखों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में जो पवन ऊर्जा का जो है उत्पादन, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कौन सा, अक्षय ऊर्जा निगम, इसके द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो है पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा आपके किया जाता है। इसके अंदर में जो कंपनियां हैं, जैसे नाम आता है एयरकॉन इंडिया, इनके द्वारा जो है यहां पर किसका उत्पादन किया जाता है, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो पवन ऊर्जा के जो प्रमुख संयंत्र लगे हुए हैं, राजस्थान में पवन ऊर्जा के जो प्रमुख संयंत्र है वो कौन कौन से हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो है आपके राजस्थान में प्रमुख पवन ऊर्जा संयंत्र है, देखो कौन कौन से हैं। पहला है आपके सामने अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट, कहाँ है, जैसलमेर में है अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट। और ये राजस्थान का क्या है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट, कहाँ है, जैसलमेर में है। इसके बाद में है बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है, जैसलमेर में है। और ये जो है ये राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का, राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का जो है ऊर्जा संयंत्र है, पवन ऊर्जा संयंत्र है, निजी क्षेत्र का क्या है ये, पवन ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद में जो है हंसुआ विंड पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है, जैसलमेर में है। इसके बाद में है सोढ़ा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है, जैसलमेर में है। इसके बाद में है देवगढ़ विंड पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। इसके बाद में धनोत्तर या धनोतिया, दोनों भी नाम आ सकते हैं आपके सामने, धनोत्तर या धनोतिया, ठीक है, विंड पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा क्या है, संयंत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र धनोत्तर या धनोतिया कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। इसके बाद में जो है आपके मीठड़ी या बीठड़ी, ये कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। मीठड़ी या बीठड़ी जो है विंड पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, जोधपुर में है। इसके बाद में जो है आपके हर्ष पर्वत विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, सीकर के अंदर है। तो राजस्थान में प्रमुख रूप से मैंने आपको 7 जो है पवन ऊर्जा संयंत्र बताए हैं, अमर सागर है, बड़ा बाग है, हंसुआ, सोडा बंधन, देवगढ़, धनोत्तर या धनोतिया, मीठड़ी या बीठड़ी, और इसके बाद में जो है हर्ष पर्वत जो है विंड पावर प्रोजेक्ट या फिर पवन ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपके गैर परंपरागत में आपके एक और रह गया सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा की चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों धन्यवाद।